आशा सहयोगियों ने मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों का राज्य सरकार द्वारा निस्तारण नहीं करने पर कार्य का बहिष्कार को लेकर आज स्वाईपुर चिकित्सालय में डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोमाणी को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 23 दिसंबर 2020 को जयपुर में मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिस पर राज्य सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए 7 जनवरी 2021 को धरना स्थल से आशाओं गिरफ्तार कर धरना समाप्त करवाया। विभिन्न मांगे जैसे धरना स्थल पर गिरफ्तार की गई आशा बहनों पर लगाए गए मुकदमे हटाए जाए व नौकरी से हटाए गए बहनों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए। ICDS एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरल जॉब चार्ट एवं कार्य विभाजन तय किया जाए। मानदेय में वृद्धि करते हुए न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होने वाले इंसेंटिव में व्यापक वृद्धि की जाए। आशा सहयोगिनी को नियमित किया जाए। हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं करने पर हम कल से कार्य का बहिष्कार करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम प्लस पोलियो में सहयोग करेंगे, जिस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुमन श्रोत्रिय, कोषाध्यक्ष शायर वैष्णव, रेखा पुष्पा श्रोत्रिय, मुन्नी चामार, सुमित्रा सुथार, लाली देवी, सुगना कीर, बनभर जाट, रागमणि सुथार, ज्ञाना शर्मा, सीता शर्मा, सीमा शर्मा, जुबेदा बेगम, सुनीता शर्मा, मंजू वैष्णव, गुड्डी शर्मा, सुगना राम, शंकर कवर, रिंकू चौधरी, गायत्री बारेट, विमला शर्मा आदि सहयोगी उपस्थित रहे।